एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिफोर डिग्री अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में होता है और वो ये समझते हैं कि जब तक उनके पास डिग्री नहीं होगी तब तक वो अर्निंग नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं बिफोर डिग्री, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने होंगे। आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में हैं या जिस भी आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लोग अपना सारा एक्सपेंडिचर खुद हैंडल कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नाउ अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग एक प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, जो कि आपको भी पता है कि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आप लोग डिग्री का वेट ना करें। डेफिनेटली आपको डिग्री मिलेगी, 4-5 ईयर्स के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे एक बड़ी जॉब गेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले भी आप लोग छोटी मोटी जॉब करके अपना एक्सपेंडिचर वगैरह हैंडल कर सकते हैं खुद से। तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोग अपने सेमेस्टर का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो खुद ही आप लोग हैंडल करेंगे। सो ये कैसे होगा, उसके लिए आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आप लोगों ने अपनी स्किल जो है वो डेवलप करनी होगी किसी भी एक चीज में। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हर एक चीज में अपनी स्किल डेवलप करना शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लेवल है और स्टूडेंट लेवल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो सकेगा एकदम से। सो आप लोगों ने अपने ऊपर बर्डन भी नहीं डालना, ये ना हो कि आप लोग हर एक फील्ड में इंटर हो जाए और बाद में पता लगे कि आप एक भी फील्ड को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने सिंपल काम करना है और वो ये है कि आप कोई भी छोटी मोटी फील्ड को स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप लोग वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर लें, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर लें, आप लोग ब्रोशर डिजाइनिंग स्टार्ट कर लें, आप लोग जो प्रिंटेड मीडिया होता है उसके लिए काम करना स्टार्ट कर लें, एनिमेशन पे काम करना शुरू कर दें, आप लोग वीडियो एडिटिंग पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये भी बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप लोग एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, एफए एफएससी वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना जो कॉलेज है वो खत्म करने के बाद या अपना स्कूल खत्म करने के बाद कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं और वो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स की। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट वाले उनको जो प्रेफर करते हैं वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आप लोग एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट ये चीजें जो है करा सकते हैं और इंस्टीट्यूट वाले उनको ये कराते हैं। तो क्यों ना कि आप लोग ये चीजें खुद सीख लें और आप लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके छोटे बहन भाई होंगे या आप लोगों के अपनी फैमिली में जो भी मेंबर्स होंगे, आप लोग उनको कह सकते हैं कि आप लोग अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। आप लोग एक अपना ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के थ्रू आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, फायदा ये है कि आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड आपका नाम जो है वो मार्केट में आ जाएगा, लोग जानने लगेंगे आपको, और थर्ड बिग बेनिफिट कि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ने लगेगा। आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा, उसके बाद आप पढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली आती होगी। और जो भी कोई अच्छा कोर्स करना चाहेगा तो हो सकता है आपका नाम प्रेफर करे कि ये टीचर ज्यादा बेटर है। सो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको डिग्री का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल बनाएंगे कुछ अर्से के लिए, एक मंथ, दो मंथ, जितना भी आप लोग टाइम देना चाहें, जब आपको लगे कि हाँ आपको चीज आ गई है, उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपकी टीचिंग स्किल है, आप लोगों ने उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना होगा। आप किस तरह अगले को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, आप कैसे अगले को मोटिवेट कर सकते हैं, आप कैसे अगले को अच्छा टीच कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं जो आप लोगों ने ख्याल रखना होगा ताकि आपसे लोग कन्विंस हो सके, आपकी बात को अगला समझ सके आसानी से। सो ये चीज अगर आप में डेवलप हो जाती है तो फिर तो आपको डिग्री की भी, आप डिग्री के बगैर भी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई चीज सीखनी हो, वेबसाइट डिजाइनिंग में सीखनी हो, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, आपके लिए वीडियो सीरीज भी डेवलप कर दूंगा ताकि आप लोग इतना काम कर सके कि मार्केट में इन हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।